मस्त में मोहब्बत का सीन अजीब है। अच्छा, उसमें ये पगला और पगली चलते हैं गट्ठे, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, तीन साल के बाद रिलेशन ख़त्म हो जाता है तो और मोहब्बत एंड हो जाती है। बस ये मोहब्बत है यहाँ की। सर, मोहब्बत का यही सीन है कि अगर आप पीछे पीछे जा सकते हैं, ठीक है, रोज़ आप उनको कैफे में लेके जा सकते हैं। पीछे पीछे क्या, डॉगी की तरह फॉलो? हाँ, बस ऐसे ही समझ लें। मस्ट में मोहब्बत का सीन। हाँ जी, मेरा तो मोहब्बत सिर्फ साइंसेज डिपार्टमेंट के लिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, और हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं इसलिए। मोहब्बत का मस्ट में यही सीन है कि अगर आपने किसी है तो पहले सेमेस्टर में फिसा लें, वरना बाद में उसको किसी दूसरे लड़के के साथ देख के तो रोते ही रहोगे आप। तो अगर आपने किसी के साथ मोहब्बत करनी है तो पहले सेमेस्टर में ही कर दो। बस मैं मोहब्बत का बहुत कुत्ता सीन है जी। अच्छा, कुत्ते फिर रहे हैं क्या? कुत्ते नहीं फिर रहे, बस सीन कुत्ता है मोहब्बत का। किसी से इश्क हो जाए अगर, दौड़ते रहो पीछे उसके, कुत्ता बना देती है वो, इसलिए क्या कुत्ता सीन है। मोहब्बत का सीन भाई, मोहब्बत का सीन कोई नहीं है जी मस्ट में। बस जो है ना, वैसे मोहब्बत का सीन तो है लेकिन बाकी लोगों के लिए है, हम जैसे इंजीनियर्स के लिए कम से कम इस यूनिवर्सिटी में कोई माहौल नहीं है, कोई मोहब्बत का सीन नहीं है मस्ट में। हाँ जी, सुनने में तो काफी आया है सीन, पर अभी तक देखने में नहीं आया। मस्त में मोहब्बत का यही सीन है, जिसको हो जाए वो ठीक है, जिसको कहीं को नहीं होती मारी सुनो तो फिर उनका कोई सीन नहीं है जी। मस्ट में मोहब्बत का सीन तो फिलहाल तो झूठ मूठ ही है, यहाँ तो कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है। मस्ट में मोहब्बत का फिलहाल तक तो कोई सीन नहीं है। मोस्ट ये होता है कि मोहब्बत यहाँ की अधूरी सी मोहब्बत है, जिसका कुछ हाथ पाँव नहीं है, ठीक है, ना तो उसका कोई ज़मीन पर पाँव लगता है, ना कोई आसमान की तरफ उसके कुछ चांद तारे कभी किसी ने तोड़ कर लाए, इसलिए ये मोहब्बत अधूरी मोहब्बत है। अपने आप को गिराना पड़ता है और लड़कियों की तरह एक्ट करना पड़ता है, ऊंची हरकतें करनी पड़ती हैं, जैसे लड़कियां करती हैं ना वैसे करते हैं। तो आशिकों के लिए मेरी ये गुजारिश है कि वो जब आशिकी करते हैं तो मतलब उसको थोड़ा इनसाइड रखा करें, ज़्यादा डिस्पोज ऑफ करने से आशिकी को नज़र लग जाती है। वो जैसे वो आपने देखे होंगे ना मेकअप डिज़ाइनर, वो देखें पहले कैसे होते हैं, लेकिन जब फिर वो मेकअप करते हैं तो फिर वो ऐसे ही उसी गेटअप में आ जाते हैं। आपने भी नोट किया, इधर भी ऐसे ही है। तो अवाम को ये बताऊं कि अवाम सिर्फ पढ़ने के पैसे देती है, आशिकी के पैसे यहाँ पे नहीं देती है। तो इंजीनियर्स के अंदर दिल नहीं है? दिल है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक प्रिसाइज जुमला होगा। फॉलो करते रहो बस, जुबान निकल रहे हो पर कुत्ते रहना पीछे लाइन में, सुन सुन के किधर गई है किधर नहीं गई। अच्छा, मैं बात करने जाऊँ तो चांटा पड़ने का डर होता है भाई, आगे चांटा ना मार दे तो बड़ा नुकसान है। तो मर्द है ना आप भी, ये तो वो कहते हैं औरत पे उठाने वाला नंबर तो होता है, पर मैं समझता हूँ ये गलत थ्योरी है। तो आप अगर रोज कैफे में लेके जा सकते हैं तो फिर आप उनके ग्रुप में इंटर हो जाएं, रोज खिलाएं पिलाएं तो ठीक है। मतलब आपका ख्याल है कि मनी है तो अन्नी है। हाँ, मनी है तो अन्नी है, इंसान तो रहते हैं पर मुझे तो हर तरफ टाइम पास ही नजर आता, मोहब्बत वगैरह कोई कंसेप्ट नहीं है इधर। अच्छा, क्यों, उसकी क्या वजह है उसकी? देखिए, यहाँ से आपको पता है कि बेसिकली जो हमारे लड़के हैं और लड़कियाँ, ये टोटल जहाँ मस्त का नाम आता है फिर टाइम पास। कोई एक्स के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं अगर आप? बस बचा के रखें अपने आप को थोड़ा। बातों से पिघलाने बड़ी सख्त लौंडियाँ हैं यहाँ की। अच्छा, न मुँह न मथा जन पड़ रहा था। तो ये क्या गवर्नमेंट देगी अपॉर्चुनिटीज या क्या? या खुद ही वाली कहानी हमने एक दफ़ा पढ़ी थी बचपन में, नेसेसिटी क्या थी यार, मुझे नाम क्या नाम था यार, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। हाँ, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। जिसको ज़रूरत है वो खुद इन्वेंट कर लेगा, जिसको नहीं ज़रूरत वो बेचारा हमारी तरह फिरेगा इसी तरह ही। ठीक है, अगर आप कंगाल है हमारी तरह तो फिर आप इधर ही बैठे रहेंगे अकेले धूप में, बाकी बस इंजॉय कर रहे होंगे, तो बस ऐसे ही है। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहते हो? बस यही, हमारा दोनों के एक इकट्ठे घूमते हैं, यही बात ऑब्जर्व करते हैं, लोग भी देखते रहते हैं, आपको भी एक्सपीरियंस है। आशिकी हमारे यहाँ ऐसी है ना कि ये दिल लगी बन जाती है, तो कई लोग हमने देखे कि दिल लगी में ना जाने जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, किसी के हाथ भी कटे देखे हमने, बहुत आंखों से खून के आंसू भी बहते देखे। बस जी, इंजीनियर्स तो वैसे ही बदनाम है, पूरे मुल्क या पूरी दुनिया में बदनाम है। इंजीनियर्स तो नहीं बदनाम, इतने टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं, अल्लाह का शुक्र, हम प्राउड फील करते हैं भाई। प्राउड टू बी इंजीनियर, लेकिन जो है ठड़क इंजीनियर की जो है ना, वो ठड़कपन जो होता है वो इंजीनियर को बदनाम, जो मजबूरपन जो है। हाँ, अंकल मजबूर वाली हरकतें मजबूर। भाई से काफ़ी एग्री करता हूँ मैं इस बारे में, यही है कि यूनिवर्सिटी में आपको पता है मोहब्बत कैसी है। बाइकआउट करना एक महीना, जैसे यूनिवर्सिटी का करते हैं स्ट्राइक करते हैं, इस तरह लड़कियों के मामले में स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, देखना ही नहीं है किसी ने जी, अकड़ में जैसे करीब से गुजरे तरीके गुजरे। अपने आप को बर्बाद करने वाली आशिकी है ये,
सिंसियर तो नहीं होना चाहिए, आशिकी करें सब कुछ करें, लेकिन सिंसियरिटी जो है ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिंसियर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। इंसान वहाँ तक सिंसियर हो सकता है जहाँ तक उसका गर्ज ना हो, ठीक है। जब आपकी गर्ज या क्या कहते हैं कि लिमिटेशन क्रॉस होती हैं, इसके बाद वो मोहब्बत बाबा है। सीन उनका ऐसे ऑन होगा, यहाँ पे मोहब्बत कम ही मिलती है, ठीक है, तो ज़्यादा फ्लर्ट ही है यहाँ पे, टाइम पास है। टाइम पास ये बस जब कोई ऐसी बात है जब, तो बहुत लड़कियाँ सीरियस हो जाती हैं। उनके लिए ये हमारा पैगाम है कि पहले सेमेस्टर में कुछ ना कुछ कर लें, बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में सीन ऑफ ही है, बाद में सीन कुछ नहीं होना। माहौल ठीक है, मतलब बात यही आती है कि आप अपने आप को बहुत गिराना पड़ता है अगर इस इन सब चीज़ों में आपने आना है तो। जो टाइम पास करो आप इसके साथ टाइम पास करो, जो सिंसियर हो आप इसके साथ सिंसियर हो। नहीं यार, बस हाथ पाँव मारते रहें, कीप हसलिंग, हाथ या पाँव कीप हसलिंग। नहीं यहाँ पे मैं इसका मसला हूँ बहुत गई सीन कुत्ता भला क्यों है। जब किसी लड़की को प्रपोज करने जाते हो ना, आप नाम लोगे हाथ के कि जी भाई, उधर ही मोहब्बत के सारे अनुमान जो है पानी में बिगड़ लेते हैं। दोस्त को क्या मैसेज देंगे, बस यही कहेंगे भाई आंखों को थोड़ा दूसरा वाला दोस्त को। वैसे ये बड़ा मुश्किल है, अच्छा। क्योंकि ये जो है मोहब्बत वाला सीन बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह मीडिया पे। वो एक पुराना सा शेयर था कि ये प्यार मोहब्बत उस वक्त की बात है, अच्छा। जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। तो आपको भी लग रहा है दिल टूटा हुआ लग रहा है यार जी। मैं तो यही कहूँगा यहाँ पे इसी की मोहब्बत है, जिसके पास गाड़ी है नहीं मस्त में, बस उसी को लड़की मिलेगी, बाकी हमारी तरह छड़े मिलेंगे। शाजब साहब देख लें, मैं देख लूँ अकेला बैठा हूँ, जब मैं यहाँ पे गाड़ी शाड़ी लेके आता ये साथ आगे पीछे वहाँ होनी थी फुल मम्मी डैडी मोड। ये बंदे पे डिपेंड करता है, आप कुछ होते हैं जब अपने आपको गिरा लेते हैं इन चीज़ों के लिए, कुछ हम जैसे होते हैं सख्त लंडे पिघलते नहीं है। एग्जैक्टली, आशिकों के लिए तो कोई मैसेज नहीं है क्योंकि वो चलो नाकाम आशिकों के लिए, नाकाम आशिकों के लिए यही है कि बस हिम्मत करें, हिम्मत करें, थोड़ी हिम्मत करें, सबकी शायरी छोड़ दे, बाकी ठीक है, थोड़ी हिम्मत अपने अंदर पैदा करें, बातचीत करें तो हो जाएगी। दिल तो नहीं टूटा, अलबत्ता हम थोड़े से समझदार थे, वक्त पे समझ गए थे कि इस चीज़ का आखिर में कंसिक्वेंसेस इसके क्या होते हैं, तो इसलिए हम थोड़े से कॉन्शियस रहे। लिमिट्स आपने क्रॉस नहीं की? मैंने लिमिटेशंस क्रॉस नहीं की है। एक्स को नहीं, ये प्रेजेंट, एक प्रेजेंट है समवन स्पेशल। ओके भाई, बहुत तुम्हारे पीछे आया हूं, अब नहीं आऊँगा। कसना है तो भाई नंबर दे दे, नहीं देना तो तेरी मर्जी है। पिघलना नहीं है मैंने, पिघलना नहीं है मैंने। अकड़ अकड़ वाला बंदा, अकड़ वाला बंदा नहीं हूँ, बड़ा पीछे भी आया यार, अकड़ तोड़ के आया पीछे पर नहीं मानी। अच्छा, देख देख के सहेलियाँ उसकी सारी मुझे बुरा समझती हैं, तो चलो तुम ही बुरा समझो, अब नहीं आएंगे तुम्हारे पीछे। पटानी है बस, पहले आंखें से आंखें मिलाएं, अगर वो देखे तो पहले स्माइल पास करें और जाकर डायरेक्ट बात करें, भाजी आप हमें पसंद है नंबर दें, बात खत्म। अल्लाह ने फिर तौफीक ही देगा, हम तो कुछ हिदायत ही दे, हिदायत दे। तो कोई मैसेज देना चाहते हैं आप कोई नाकाम आशिकों के लिए? अच्छा, ओवरऑल वैसे बहुत सीन्स हैं मस्त में मोहब्बत के, इधर उधर आपको बहुत सीन्स नजर आएंगे। नहीं तो आप क्या फिनिश करना चाहते हो यहाँ यहाँ के, उसे चांस देना चाहते हो? भैया हम तो चांस देंगे चक्करों में, तो माने तो चांस देना, ऐसे चांस थोड़ी देंगे। ठीक है, अगर चांस देना चाहती हो तो चांस देंगे। ये तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। अच्छा, अब मस्त की जो लड़कियाँ हैं वो इतनी एक्टिव नहीं है शायद इस मामले में। मैं तो यही कहूँगा ये हौसला ना हारे, एक दो साल हाथ ही लाते रहे, वाली बात हाथ लाते रहे, क्या पता किस वक्त किस्मत जाग जाए। अच्छा। जिसका साल पड़ा हुआ क्या पता साल में जाग जाए, जिसका नहीं जिसके साथ नहीं होता वो ठीक है, फिर शादी करे और कुछ नहीं हो सकता, उसी के बाद मोहब्बत कर ले। एक बंदे के लिए शेर है, ठीक है, के बिस्मिल्लाह, कुछ तो हाल सुनाओ यारो उसकी क्यामत बाहों का, कुछ तो हाल सुनाओ उसकी क्यामत बाहों का, वो जो उनमें लिपटते होंगे वो तो मर जाते होंगे। हाँ तो लड़कियां नहीं ना घास डालना चाहती उन्हें, तो उनकी अकड़ ही नहीं लड़कियों की खत्म होती, वो तो ये कहती हैं एटीट्यूड, लड़की हो और एटीट्यूड ना हो ऐसा हो सकता है? सीरीज क्या कोई हाथ काट देती है अपने कोई आशिक? नहीं, लड़कियां हाथ नहीं काटती है, अलग बात है, लड़कियां थोड़ा फ्लर्ट ही करती हैं, हाथ हाथ नहीं काटती, लेकिन लड़के बास टाइम ना कोई सीरियस हो जाते हैं, लेकिन लड़कियां क्या कहती हैं फिर कि हमारी कोई फैमिली मजबूरी है, हमें फैमिली में शादी करनी है वो। हाँ तकरीबन, क्योंकि बेचारे इंजीनियरिंग वालों के पास तो लड़कियाँ नहीं है, और इधर बायोटेक वाली साइड पर जाए तो उधर आपको लड़कियाँ ही मिलेंगी, लड़के हैं ही नहीं वहाँ पे, और जो थोड़ी बहुत लड़कियां हैं वो यहाँ पे हैं इस डिपार्टमेंट में, एमबी और लॉगी डिपार्टमेंट में, ठीक है, और लड़के भी हैं। आपको पता है कि आजकल जो हाई हील्स हैं वो काफ़ी लंबी है, तो बाजी क्या क्या बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा मार पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, चांसेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ना थोड़ा सा एहतियात करके प्यार मोहब्बत से जाके बात करें। भाई पढ़ने आया सब लोग पढ़ें, चुप करके कोई भी इस काम में नहीं पढ़े।
नहीं मेरा फिलहाल पांचवा सेमेस्टर है, मेरा तो अब इतना मुझे लगता नहीं कि डेढ़ साल रह गया, तो मैं कुछ करूंगा लेकिन आगे आने वाले दौर में शायद कुछ बेहतरी हो। तो इंजीनियर्स क्या करें या साइंसेज वाली जो लड़कियां वो क्या करें फिर? वो अपना ढूंढे, यूनिवर्सिटी से बाहर ढूंढ लें अगर उनको यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा तो। मेरा मोहब्बत है सचिया नहीं रही। अच्छा, अब वो हीरा रांझे वाला सिस्टम खत्म हो गया है। यो अब बस फ्लर्ट चलता है ज्यादातर। टाइम पास कर रहे हो आप? टाइम पास ही चलता है यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं है। आप देख लेना, अभी मैं आपको डेमो देता हूँ ना, अभी मैं इधर ही हूँ ना, तो जिस दिन मेरी कमेटी निकलेगी ना उस दिन देखना, 8-10 होंगे, टेंशन ना करें। अच्छा ठीक है। ये वापस चेक करें यार, उन्हें बाजी ये अंदर से कैसे जज्बात निकल रहे हैं भाइयों वाले जज्बात हैं, क्योंकि वो फर्स्ट मस्टर में देखते नहीं है, वो देखते सारे रहते, क्योंकि वो सिर्फ देखते ही रहते हैं, वो कुछ करते ही नहीं। अगर आपको देखते हो हाथ ही लाते रहते हैं बस।